तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे एक आर्थर नाम का एक आम लड़का डच शुल्स बन जाता है और क्राइम की दुनिया में दस्तक देता है। अल्कोहल के प्रोहिबिशन के दौरान शराब का इलीगल बिजनेस करने की वजह से शुल्स बहुत अमीर बन गया था। वहीं आपको बता दें कि जोई और शुल्स का ऑपरेशन पूरे ब्रॉन्क्स में कब्जा जमा चुका था। जल्द ही ये एकमात्र गिरोह बन गया जो इटालियन क्राइम सिंडिकेट को टक्कर देने के काबिल था। ये वही इटालियन माफियाज थे जो आगे चलकर फाइव फैमिलीज बन गए। जब जोई और शुल्स के गैंग का ब्रॉन्क्स में मैनहट्टन, वॉशिंगटन हाइट्स, यॉर्कविले और हार्लम तक विस्तार हुआ तो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर ब्रॉन्क्स के ही ईस्ट 149 स्ट्रीट में बना लिया। हालांकि इस हरकत ने शुल्स और आयरिश मॉबस्टर जैक डायमंड के बीच बूटलेग वॉर शुरू कर दी थी। आर्नोल्ड माफिया लकी लुचियानो का मेंटोर था। माना जाता है कि शुल्स ने जोई की मौत का बदला आर्नोल्ड को मार कर लिया था। इस बात का एक प्रूफ भी है जो शुल्स को शक की नजर में डालता है। असल में आर्नोल्ड को मारने के बाद सबसे पहले जॉर्ज ने शुल्स के वकील डिक्सी डेविस को फोन किया था। कहा जाता है कि मैकमैनस का आर्नोल्ड से डेड को लेकर झगड़ा था। बाद में मैकमैनस को आर्नोल्ड के मर्डर के केस से रिहा कर दिया गया। अभी मर्डर शुल्स ने करवाया है नहीं, इसके सबूत तो अभी हमारे पास नहीं है। हालांकि कुछ बातें ऐसी जरूर हैं जो शुल्स को आर्नोल्ड के मर्डर का दोषी बनाती हैं। 12 अक्टूबर 1930 जैक डायमंड को किसी ने बुरी तरह से गोली मारकर घायल कर दिया था। ये घटना एक होटल की है जब दो गुमनाम जबरदस्ती जैक डायमंड के रूम में घुस आए और उस पे भागने से पहले 5 बार गोलियां चलाई। 30 दिसंबर को जैक डायमंड को पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई थी। जब न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर ने जैक डायमंड से पूछा कि आखिर वो कमरे से बाहर कैसे आया, इस पे जैक ने कहा कि उसने पहले विस्की के 2 शॉट्स पिए। जैक डायमंड के एब्सेंस में उसके गैंग को शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। जब जैक वापस लौटा तो उसने अल्बानी में अपने लिए एक नया टेरिटरी बनाना शुरू कर दिया था। जैक डायमंड को दिसंबर 1931 को दो गुमनाम द्वारा गोली मार दी गई थी। ऐसा माना गया है कि शुल्स ने ही जैक डायमंड का मर्डर करवाया था, क्योंकि शुरुआत में जगह और शराब के लीगल बिजनेस को लेकर शुल्स और डायमंड के बीच गैंग वॉर हुई थी। शुल्स को अपनी ही गैंग में इंटरनल वॉर को भी झेलना पड़ा था। बता दें कि 1930 में शुल्स के गैंग के ही एक मेंबर विंसेंट ने एक सामान भागीदार बनने के लिए जगह मांगी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुल्स अपने गैंग के मेंबर को कम सैलरी देता था, जबकि दूसरे क्राइम गैंग्स के मेंबर्स को कस्टमरी परसेंटेज भी दिया जाता था। शुल्स ने विंसेंट को इक्वल पार्टनर बनाने से साफ मना कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि विंसेंट ने अपना अलग गैंग बना लिया जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, शुल्स को मारकर उसकी टेरिटरी पर कब्जा करना। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या विंसेंट शुल्स को मार देगा और क्या उसकी जगह वो खुद गैंग का मालिक बन जाएगा, या फिर ये कहानी एक अलग मोड़ लेगी? जानने के लिए आप लोग बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है ख्याति।